हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल लव यू जिंदगी। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी लगती है आपको मेरी मेकअप की वीडियोस? तो आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने प्लेन रेड कलर का सूट पहना है और ये टोटल बहुत प्लेन है। इसका कलर भी कुछ भी, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन आज हम इस सूट में भी ऐसा लुक कैरी करेंगे जो बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि आप एक मॉडर्न लुक एक सूट में कैसे कैरी करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। आपके पास भी प्लेन कुर्ती है, सूट है, नहीं पहन पा रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, ये होता है कि किसके साथ कैरी करें, कैसे पहने, ये समझ में नहीं आ पाता है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। क्योंकि मैं बताऊंगी कि आप सूट में भी कितने ज़्यादा अच्छे लग सकते हो और सूट में भी अपना लुक किस तरह आप मेंटेन कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम मेकअप करेंगे। उसके बाद में जिस तरह से हेयर स्टाइल कुछ ज़्यादा नहीं होगा, सिंपल ही रहेगा, तो वो आप देखना कि किस तरह से आप सूट को एक मॉडर्न लुक दे सकते हो, एक अच्छा ग्लैमरस लुक दे सकते हो। तो पहले हम फटाफट से मेकअप कर लेते हैं और सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र और फिर क्या कहते हैं, हमने यूज़ करा है पहले ये मेरा मॉइस्चराइजर अच्छे से लग गया है। अब हम लगाएंगे फेस सीरम। तो हमारा फेस अब पूरा रेडी है कोई भी बेस अप्लाई करने के लिए, फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। तो क्रायलोन टी स्टिक फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ। हमारा मेकअप नेचुरल एंड हाई रहेगा तो इसलिए मैंने बेस ज़्यादा नहीं लगाया है, बहुत ही कम। ये देख रहे हो आप फ़र्क, फेस पे सीरम पहले लगाने के का फ़र्क जो देख रहे हो, इसके बाद क्या हो रहा है कि अब फेस हमारा जो बेस है वो शाइन करने लगा फेस सीरम की वजह से।
ये हमारा कंप्लीट हो गया वेज। इसके बाद हम आई पे आएंगे डायरेक्ट। मैंने आईब्रोज के लिए डार्क ब्राउन कलर यूज किया है। आई शेड के लिए ये वाला हम न्यूड शेड कलर यूज कर रहे हैं। ये देखिए आई शेड कम्प्लीट हो गया है। और आप इस चीज़ का बात इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूर कि जब भी आप प्लेन ड्रेस वेयर कर रहे हैं उसके साथ कोई स्पार्कल वाली यूज़ ना कर चीज़ें ना यूज़ करें, मतलब आपने शिमर वाला आई शेड नहीं लगाना है, सिर्फ मैट में ही यूज़ करना है। और ये तो आप हमेशा ही अपने मेकअप में जब आप रेगुलर मेकअप कर रहे हैं हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि रेगुलर मेकअप में शिमर ना यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि हमारा मेकअप जितना ही नेचुरल रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मस्कारा मस्कारा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। इसके लिए मैं कॉफ़ी शेड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रेड भी लगा सकते हैं लेकिन रेड को अगर लगाएंगे तो बहुत डार्क नहीं लगानी है।
लिपस्टिक लग गई है और मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ब्लश रह गया है। ब्लश थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने नेक पे लगाया है। ये हमारा मेकअप डन हो गया है। लास्ट में हम मेकअप फिक्सर लगा रहे हैं। तो हमारा मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हेयर पर। तो ये मैंने इस सूट पे हाई पोनी करी है, अब देखिए। अब इसमें हम दुपट्टा मैंने लिया है, इसको किस तरह कैरी करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका दुपट्टा काफ़ी बड़ा और चौड़ा है तो आप इसे पूरा मत खोलिए, आप इसको एक बार फोल्ड कर लें। अब इसका साइज ये होने के बाद हो गया है। इसके बाद आपने इस तरह से इसको आपने नेक में लेना है, गले में डाल लेना। अब ये देखिए, ये मेरा लुक कंप्लीट है। आप देखिए, मैं आपको फुल टोटल लुक भी दिखाती हूँ आपको अपना। ये देखिए, तो ये था मेरा आज का रेड हॉट एंड ग्लैमरस लुक। तो आप भी इस तरह से अपने प्लेन सूट को कैरी कर सकते हो। और ये देखिए, मैंने इस पर थोड़ा सा दुपट्टा जो है वो डिफरेंट लिया है, प्लेन नहीं लिया है। प्लेन भी लोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे अब आपका सूट, आप इसे किसी पार्टी में पहन के जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जा सकते हैं। और ये देखिए, तो इस तरह से आप अपने लुक को चेंज कर सकते हैं, एक सिंपल से सूट को भी एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा जो इंस्टेंट लाइट मेकअप का जो ट्रिक है मैं आपको बताती हूँ वो कैसा लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।